आज हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ फॉर्मूलेज देखने वाले हैं जैसे बेटा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वैसे ही लैपलास जो ई एन टी सी इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ये ब्रांच के लिए ये चैप्टर एम टू में दिया गया है देखो लैपलास ऑफ के लैपलास ऑफ के होता है के अपॉन एस मतलब यहाँ फाइव होगा तो आंसर होगा फाइव अपॉन हो एस नाइन होगा तो नाइन अपॉन एस लैपलास ऑफ ई रेस्ट टू ए टी लैपलास ऑफ टू टी का फॉर्मूला है बेटा अपॉन प्लस A है ना तो यहाँ माइनस ए करना है लैपलास ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी आ गया तो यहाँ पे माइनस ए है ना तो एस माइनस ऑफ माइनस ए हो गया एस प्लस ए मतलब प्लस ए होगा तो यहाँ माइनस ए करो माइनस ए होगा तो प्लस ए करो लैपलास ऑफ टी रेस टू एन का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन मतलब फाइव रेस टू एन होगा तो सॉरी टी रेस टू फाइव होगा तो आप लिखोगे फाइव फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू फाइव प्लस वन दैट इज सिक्स और फैक्टोरियल का मतलब होता है एन फैक्टोरियल मतलब वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू डॉट 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 अप टू एन ऐसे करना है मतलब फ्री थ्री फैक्टोरियल होगा तो वन इंटू टू इंटू थ्री ऐसे लिखना है आगे का है बेटा लैपलास ऑफ साइन के टी तो साइन के टी का होगा ये के जो है ना ये के अपर आपने ऊपर लिखना है के अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉस के टी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अच्छे से देखो ये ट्रिग्नोमेट्री है तो दोनों में यहाँ प्लस प्लस है इतना याद रखो ठीक है ना और साइन है याद कैसे रखना देखो कॉस है ना एस एस से लास्ट होता है एस से एंड हो रहा है एस से शुरू हो रहा है एस अपॉन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दोनों जगह सेम है कौन से तो एस है और साइन है तो एस नहीं है मतलब साइन है तो के है इतना आपने याद रखना है साइन के टी के अपॉन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मैं फिर से बता रहा हूँ मेरे पीछे बात करना लैपलास ऑफ के इज के अपॉन एस लैपलास ऑफ ई रेस टू एटी इज इक्वल टू वन अपॉन एस माइनस है लैप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस एटी माइनस है इसलिए प्लस करो वन अपॉन एस प्लस है लैपलस ऑफ टी रेस टू एन होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन साइन ऑफ लैपलास ऑफ साइन ऑफ के टी के अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ऑफ कॉस के टी कॉस एस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अभी ये सेवन नंबर का फॉर्मूला देखो बेटा लैपलास ऑफ साइन एच के टी एच मतलब हाइपरबोलिक के टी है तो हाइपरबोलिक साइन ऑफ एच हाइपरबोलिक होगा तो माइनस होगा हाइपरबोलिक है तो माइनस है बाकी सब यही है ऊपर का देखो ना ए स्क्वायर के स्क्वायर ये स्क्वायर के स्क्वायर यहाँ के है यहाँ ऐसे के है ऐसे मतलब सब वही है बस हाइपरबोलिक है तो माइनस करना है देखो लैपलास ऑफ साइन एच के टी इज इक्वल टू के अपॉन एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर लैपलास ऑफ कॉस एच के टी मतलब एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ठीक है बेटा अब ये देखो आगे का प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन बाय ई रेस टू ए टी मतलब ये जो सब फॉर्मूले फोर फाइव सिक्स सेवन तो टी रेस टू एन को देखो ई रेस टू ए टी से मल्टीप्लाई किया है साइन के टी को ई रेस टू ए टी से मल्टीप्लाई किया है. कॉस को देखो ई रेस टू एटी से मल्टीप्लाई किया है साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक को भी ई रेस टू एटी से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे बेटा कुछ नहीं है यही फॉर्मूले हमें यूज करना है पर ई रेस्टू एटी से सॉल्व करना है। मतलब देखो लेपलस ऑफ ई रेस्ट टू एटी डॉट टी रेस्ट टू एन तो टी रेस टू एन का फॉर्मूला क्या है एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस्ट टू एन प्लस वन एन फैक्टोरियल ही होगा पर जहाँ जहाँ एस है अभी एस की जगह आपने क्या करना है प्लस एटी है ना तो माइनस ए कर दो एन फैक्टोरियल अपॉन एस माइनस ए रेस टू एन प्लस वन देखो यही है चेंजेस देखो बेटा ई रेस टू एटी साइन के टी अगेन देखो साइन है ना साइन है तो के है और दोनों में ट्रिग्नोमेट्री में प्लस है और यहाँ पे देखो एस है एस है तो ई रेस टू एटी में माइनस एस होगा बस एस माइनस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ई रेस टू कॉस के टी में कॉस एस से एस से खत्म हो रहा है एस से स्टार्ट होगा एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ये मेरा फॉर्मूला है पर एस की जगह आपने ई रेस टू ए टी आ गया ना तो माइनस है माइनस है डाल दो बस इतना ही साइन ऐप हाइपरबोलिक के टी में सब वही फॉर्मूला होगा जो इधर है बस एस की जगह आपने एस माइनस ए पुट कर देना क्योंकि प्लस ए टी है प्लस ए टी तो एस की जगह एस माइनस ए मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं इसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन बाय ई रेस टू ए टी बोलते हैं नेक्स्ट है बेटा मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेस टू एन तो फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ अगर समझ लो जनरल एग्जाम्पल है लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी तो कुछ नहीं एफ ऑफ टी का जो आंसर आएगा समझ लो एफ ऑफ टी मतलब के है तो के अपॉन एस कर देना है ठीक है ना ये के अपॉन एस आ गया तो कौन सा भी फंक्शन है उसका आर एच एस यहाँ पे आ जाएगा पर उसको जैसे ई रेस्टू ए टी से मल्टीप्लाई किया अभी टी रेस टू एन से मल्टीप्लाई करना है तो उसका फॉर्मूला है बेटा माइनस वन टू एन डी टू एन अपॉन डी एस टू एन डेरिवेटिव आपको पता है और एफ ऑफ एस मतलब ये जो आंसर है राइट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड बेटा यहाँ पे लिख लेना है मैं फिर से बता रहा हूँ अपॉन डी एस टू एन एंड एफ ऑफ एस मतलब जो लैपलास आता है वो अभी डिवीजन बाय टी वाला प्रॉपर्टी है ये ठीक है अभी ये देखो फिफ्टीन नंबर का समय लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी तो उसका आंसर लिख लेना है एफ ऑफ एस और अभी डिवीजन बाय टी मतलब एफ ऑफ टी डिवाइड बाय टी है तो आपका आंसर होगा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनी एफ ऑफ यू डी यू और उसके बाद ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से बेटा सॉल्व करना है ठीक है तो ये टोटल पंद्रह लैपलास के फॉर्मूले हो गए ठीक है बेटा अभी तक हम लोगों ने ऐसे लैपलास के पंद्रह सोलह फार्मूले देखे हैं अभी लैपलास इन्वर्स सेकंड से पार्ट है अच्छे से देखो जैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में रिलेशन uh, है बेटा वैसे ही लैपलास और लैपलास इनवर्स में रिलेशन है देखो लैपलास ऑफ के क्या होता है के बाय एस अगर मैंने ये लैपलास इधर लेके आया तो ये हो गया लैपलास इनवर्स देखो हो गया लैपलास इनवर्स के एस आंसर इज के लैपलास इनवर्स के एस आंसर इज के तो यही है मतलब यही फॉर्मूले याद रखने की जरूरत आपको नहीं है आगे का देखो बेटा ये आगे का है लैपलास ऑफ ई रेस टू ए टी प्लस ए है इसलिए माइनस है तो अगर मैंने लैपलास इनवर्स इधर लाया तो देखो लैपलास इनवर्स वन अपॉन एस माइनस है माइनस है इसलिए ई रेस टू ए टी प्लस ए है इसलिए ई रेस टू माइनस ए टी बात समझ में आ रहा है आपको ये देखो टी रेस टू एन का फॉर्मूला क्या है एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। तो अभी अच्छे से देखना है टी रेस टू एन फैक्टोरियल एस रेस टू एन प्लस वन है तो ये देखो लैपलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस रेस टू एन इज इक्वल टू टी रेस टू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल ये कैसे आया ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ ठीक हो मैं ये फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे आया लैपलास इनवर्स लैपलास इनवर्स वन अपॉन एस रेस टू एन का आंसर होता है टी रेस टू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल तो जैसे देखो आपका सादा लैपलस ये है लैपलस ऑफ टी रेस टू एन एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन है तो टी रेस टू एन एन मतलब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में कुछ भी ले सकता हूँ तो समझ लो एन की जगह मैंने एन माइनस वन लिखा सादा लैप्लस है लैप्लास ऑफ टी रेस टू एन माइनस वन तो ये होगा एन फैक्टोरियल एन का वैल्यू मेरा है एन माइनस वन तो मैं लिखूंगा एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस्ट टू एन की जगह लिखूंगा एन माइनस वन प्लस वन अच्छे से देखो माइनस वन प्लस वन गेट कैंसिल तो आपका आंसर होगा एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस्ट टू एन बात समझ में आ रहा है तो अगर यही मैं लैप्लास अगर इधर लेके जाता हो, तो हो गया लेप्लास इनवर्स तो लैपलास इनवर्स एन माइनस वन देखो ना लैप्लास इनवर्स एन माइनस वन अपॉन एस रेस्ट टू एन है तो एन माइनस वन इन इधर आने के बाद अपॉन हो जाएगा देखो ये पहले इधर था तो ये इधर आ गया लैपलास इनवर्स वन अपॉन एस रेस टू एन इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा टू टू मतलब ये T N 1, और ये और नीचे आ जाएगा दैट इज फैक्टोरियल अभी ये देखो बेटा लैपलास ऑफ साइन के टी होता है के अपॉन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लैपलास में बस इधर लेके जा रहा हूं तो लैपलास इनवर्स वन अपॉन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ये के मैं इधर लेके आ रहा हूं तो वन अपॉन के साइन के टी देखो ना ये के जो है ये बेटा इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो वन अपॉन के साइन के टी सेम बात है लैपलास इनवर्स लैपलास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आपका आंसर होगा कॉस के टी कॉस के टी अगेन लैपलास इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर तो ये K में के में इधर लेके गया तो वन अपॉन के साइन ऑफ के टी सेम बात है लैपलास इनवर्स इसका लैप्लास इनवर्स लिया मतलब ये तो आपका आंसर होगा कॉस एच ऑफ के टी मतलब ये फॉर्मूले में फिर से बता रहा हूँ याद रखने की जरूरत नहीं है ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर आपके ये फॉर्मूले याद है तो तो ये जो है बेटा ये आगे का देखो लैपलास इनवर्स वन अपॉन एस माइनस ए रेस्ट टू एन आपको याद आना चाहिए ई रेस टू एटी वाला प्रॉपर्टी है प्लस ए इ टू प्लस टी होगा तो एस माइनस ए होता था तो ये माइनस ए हो गया मतलब ई रेस टू ए टी आएगा ई रेस टू ए टी और ये हो गया वन अपॉन एस रेस टू एन मतलब वन अपॉन लैपलास इनवर्स ऑफ टी रेस टू एन का फार्मूला अभी हमने आपको बताया था वैसे ही लैपलास इनवर्स वन अपॉन एस रेस टू एन का फॉर्मूला है टी रेस टू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल तो जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ प्लस ए टी के लिए माइनस ए है तो ये एस माइनस ए रेस टू एन तो बस ये होगा आपका ई रेस टू ए टी और बाकी सब यही रहेगा टी रेस टू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल अभी देखो अच्छे से विचार करना एस प्लस ए प्लस ए कब आता है बेटा हाँ प्लस ए कब आता है बेटा अभी ये देखो ये प्लस तो है तो माइनस आ गया और ये प्लस ए होगा तो ये ई रेस्ट टू माइनस एटी होगा तो सेम बात है इधर प्लस ए है तो ई रेस्ट टू माइनस एटी आएगा और बाकी यही फॉर्मूला रहेगा टी रेस टू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल प्रैक्टिस के साथ आएगा प्लस ए मतलब माइनस एटी है अभी ये देखो लैपलास इनवर्स वन अपॉन एस माइनस ए होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आप थोड़ा सा भी विचार करना है देखो ये प्लस है मतलब सादा ट्रिग्नोमेट्री है मतलब देखो साइन के टी आ गया माइनस ए है मतलब ई टू प्लस ए टी आ गया और यह वन है मतलब ये के इधर से इधर आ गया तो ये क्या लैप्लस इनवर्स वन अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर तो ये सादा ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन के टी माइनस ए मतलब ई रेस्टू ए टी और ये के अभी सेम यही है देखो एस माइनस ए की जगह एस प्लस ए आ गया प्लस है तो इधर माइनस एटी आएगा ई रेस टू माइनस एटी प्लस है मतलब सादा ट्रिग्नोमेट्री है और ये के इधर आ गया अच्छे से देखो s माइनस है s माइनस है माइनस है मतलब ई रेस टू एटी आएगा और ये प्लस है प्लस है मतलब सादा ट्रिग्नोमेट्री है याद है आपको प्लस है देखो मैंने आपको बताया था प्लस होगा तो सादा ट्रिग्नोमेट्री होगा प्लस है और माइनस होगा तो हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री होगा ये लैप्लास में अभी हम लोग लैपलास इनवर्स देख रहे हैं तो अच्छे से देखना ये देखो ये लैपलास इनवर्स लैपलास इनवर्स एस माइनस है प्लस है सादा ट्रिग्नोमेट्री माइनस है इसलिए ई रेस टू ए टी प्लस है इसलिए ई रेस टू माइनस एटी सादा ट्रिग्नोमेट्री है प्लस है इसलिए सादा ट्रिग्नोमेट्री देखो मैं आपको अभी आगे का बता रहा हूँ माइनस है इसलिए हाइपरबोलिक है पक्का वन है इसलिए या वन अपॉन क्या आएगा और माइनस e है इसलिए ई रेस टू एटी आएगा अगेन माइनस है इसलिए मतलब हाइपरबोलिक e मतलब है प्लस ए है प्लस ए मतलब माइनस ए होगा ई रेस टू माइनस एटी और वन अपॉन के ऐसे ऐसे मतलब कॉस है माइनस है इसलिए हाइपरबोलिक है और माइनस ए है इसलिए प्लस एटी है याद रखना है देखो ये प्लस है मतलब ये होगा ई रेस टू माइनस एटी और माइनस है इसलिए हाइपरबोलिक और एस इसलिए कॉस तो ये ऐसे आता है बेटा आगे का है आपका बेटा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मतलब मल्टीप्लीकेशन बाई टू टी बोलते हैं उसे तो सग सेम जैसे ये लैपलास इन्वर्स है अभी बेटा तो लैपलास इन्वर्स के लिए फॉर्मूला है आपका समझ लो ये अगर ऐसे है लैपलास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस तो इसका आंसर एफ ऑफ टी मतलब जो आर एच एस है वो लिख लेना तो अगर लैपलास इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस ए आ गया देखो माइनस ए है माइनस ए मतलब ई रेस टू एटी है इन टू जो आंसर है वो लिख लेना सर इसका फॉर एग्जांपल क्या होगा तो वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर तो बताओ ये प्लस है मतलब सादा ट्रिग्नोमेट्री है वन ये टू है तो ये वन अपॉन टू आ गया पर अगर ये एस की जगह एस माइनस वन आ गया प्लस टू स्क्वायर आ गया तो आपका आंसर वन बाई टू ई रेस टू एटी ए मतलब क्या है माइनस वन का इधर होगा प्लस वन अगर यहाँ पे समझ लो s माइनस थ्री आता तो यहाँ पे e रेस टू थ्री टी आता बात समझ में आ रहा है आपको तो ये हो गया आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और ये बेटा जो है ये दो हाइपरबोलिक फॉर्मूले हैं हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यहाँ लैपलास नहीं लिया है लैपलास नहीं लिया है यहाँ देखो साइन एच ऑफ ए टी मतलब साइन हाइपरबोलिक एटी इज इक्वल टू ई रेस टू ए टी माइनस ई रेस टू माइनस एटी अपॉन टू एंड कॉस ऑफ एच एटी मतलब ई रेस टू एटी प्लस ई रेस टू माइनस एटी अपॉन टू तो हाइपरबोलिक है तो माइनस है सॉरी साइन uh, uh, है तो माइनस है कॉस है तो प्लस है ऐसे याद रखना बाकी यही फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला बेटा मैं आपको एक बार बता रहा हूँ लैपलॉस ऑफ के के अपॉन एस लैपलॉस ऑफ ई रेस टू एटी प्लस इसलिए वन अपॉन एस माइनस है लेपलॉस ऑफ ई रेस टू माइनस एटी माइनस है इसलिए वन अपॉन एस प्लस ए लैपलास ऑफ टी रेस टू एन एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन लेप्लास ऑफ साइन के टी ट्रिग्नोमेट्री है इसलिए प्लस है तो साइन के टी के अपॉन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ऑफ के टी सादा ट्रिग्नोमेट्री इसलिए प्लस एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉस एस 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 अपॉन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लैपलास ऑफ साइन हाइपरबोलिक के टी हाइपरबोलिक इसलिए माइनस है तो साइन है इसलिए के अपॉन एस स्क्र माइनस के स्क्वायर लैप ऑफ एच के टी कॉस एस एसपरबोलिक माइनस है स्कवायर मल्टीप्लीकेशन बाई टू ए मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ई रेस टू ए टी टी रेस टू एन टी रेस टू एन का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन एस यह प्लस है इसलिए एस माइनस ए रेस टू एन प्लस वन लैप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी डॉट साइन के टी साइन के टी इसलिए के ट्रिग्नोमेट्री है इसलिए साइन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस है इसलिए एस माइनस है ई रेस टू ए टी कॉस के टी एस एस माइनस है माइनस है क्यू प्लस है इसलिए माइनस है माइनस है ट्रिग्नोमेट्री इसलिए प्लस हाइपरबोलिक है इसलिए माइनस हाइपरबोलिक है इसलिए माइनस साइन है इसलिए के कॉस है इसलिए एस माइनस है एस माइनस है प्लस है इसलिए माइनस है कर दिया ये इतना इजी है बेटा एक बार सादे लैपलास के फॉर्मूले याद करो आपको लैपलास इनवर्स अच्छे से याद हो जाएगा यू ऑल द बेस्ट थैंक यू